हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार नई रेसिपी लेके आज हम बनाने वाले मेथी मलाई मटर की सब्जी। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और एकदम इजी तरीके से ये बन जाता है। और इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, लच्छा पराठा के साथ, ये सब चीज़ों के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। और अभी ठंड का टाइम है तो मटर भी बहुत अच्छे फ्रेश मटर मिल रहे हैं मार्केट से, तो आप फटाफट से लेके आइए। मेथी भी बहुत बढ़िया मिल रही है, तो आप लेके आइए और बनाइए और इन्जॉय करिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो देखिए, पास से दिखा रही, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना इसका लुक भी, और खाने में भी उतना ही टेस्टी है, बनाना उतना ही ईजी है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लीजिए, मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम ये मेथी मलाई मटर की सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ये मैंने एक कप ये फ्रेश वाले मटर ले लिए। अभी हरा मटर का सीज़न है तो मटर बहुत ही बढ़िया आ रहा है, तो आप इस तरह से ये मटर ले लीजिए, छिल के इसको धो लीजिए। इस तरह से मैंने ये एक कप मटर लिए हैं। अब ये मटर हम इसमें इस तरह से ये डाल दे रहे हैं और इसको हम बॉईल करेंगे। इसमें मैं पानी ऐड कर देती हूँ और ये हम इसमें इस तरह से ये एक कप ये पानी भी डाल देते हैं। अब हम इसको गैस में चढ़ा देते हैं और इसको हम 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। और अभी मैं इसी में इस तरह से ये आधा चम्मच ये नमक डाल देती हूँ। नमक डाल देंगे तो मटर भी जल्दी से पक जाएंगे। और इसी में मैं ये डालूँगी ये एक छोटा चम्मच ये चीनी। और अब हम इसको पकने देते हैं। जब तक ये मटर पक रहा है मैं आगे की तैयारी भी कर लेती हूँ। हम ये कढ़ाई चढ़ा ली, इसको हम गर्म कर लेते हैं। और इसी में मैं इस तरह से ये 2 चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल को भी हम गरम कर लेते हैं। अब ये ऑयल भी गरम हो गया है, इसमें मैं इस तरह से ये आधा चम्मच ये जीरा डाल देती हूँ। और इसी के साथ ये एक इलायची डाल देती हूँ हरी वाली। और इसी में डालेंगे ये हमने ये 1 ऑनियन कट किए थे, रफली चॉप्ड किए, इसको डाल देते हैं हम। तो इस तरह से ये ऑनियन डालने के बाद इसको हम इस तरह से चला ले रहे हैं। ऑनियन को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसका कलर नहीं चेंज करना है, इसी तरह से इसको पिंक रहने देना है। इसमें ऑनियन को बस इतना रखना है कि सॉफ्ट हो जाइए। और अभी इसी में मैं इस तरह से ये 10 से 12 काजू डाल देती हूँ। इस तरह से ये इसको हम अच्छे से पका लेंगे। अगर आपके पास क्रीम ज़्यादा नहीं है तो आप इस तरह से काजू थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपके पास है घर की मलाई, फ्रेश मलाई थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो आप इस तरह से काजू स्किप भी कर सकते हैं या 2-3 काजू भी इसमें डाल सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से ये ऑनियन भी पक गए हैं। और अब हम इसमें इस तरह से 2 टमाटर डाल देंगे, इसको भी हमने थोड़ा सा रफली चॉप्ड किए थे, तो इस तरह से हम टमाटर डाल के भी इसको अच्छे से पकने देंगे। और अब मैं इसमें इस तरह से 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच ये हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच ये इस तरह से ये जीरा पाउडर, ये भुना वाला जीरा है उसका हम पाउडर तैयार किए थे उसको हम डाल रहे हैं। और ये 1 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और इसमें मैं 1/2 चम्मच ये लाल मिर्च के पाउडर डाल रही हूँ। इस तरह से हम ये सारी इस तरह से मसाले को डाल के इसको हम इस तरह से मिक्स कर ले रहे हैं और अच्छे से हम पका लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, आपको जितना तीखा पसंद हो। इसमें वैसे ज़्यादा तीखा अच्छा नहीं लगता है। ये हम मेथी मलाई मटर बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा क्रीम इसमें ऐड करेंगे, मतलब मलाई ऐड करेंगे, तो ये तीखा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको कवर कर दूँगी और इसको हम अच्छे से पकने देंगे, टमाटर भी अच्छे से पक जाए। अब मैं इसको इस तरह से कवर कर दूँगी और पकने दूँगी। अब हम इस तरह का एक बड़ा बर्तन, इस तरह का एक बाउल लगा ले रहे हैं और स्ट्रेनर्स में लगा ले रहे हैं जो हमने मटर को बॉईल करने रखे थे, उसको छान लेते हैं। तो ये आप देखिए मटर भी बॉईल्ड हो गया है। अब मैं इसको इस तरह से छान ले रही हूँ और इसको हम फटाफट से ठंडे पानी में डालेंगे। अब ये मटर का हमने पानी निकाल लिए, इसको हम डाल रहे हैं। और अब मैं इस तरह से ये
इस तरह से ये ठंडा पानी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें आइस भी डाल सकते हैं, बट इसको हम ठंडा पानी इसमें डाल रहे हैं तो इससे क्या होगा, मटर का कलर चेंज नहीं होगा। तो एकदम मैंने इस तरह से जो पानी है इसको फ्रीज़र में रख के एकदम चिल्ड कर लिया है। तो बस इस तरह से हम पानी में रख देंगे इसको। अब इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं। मैं इसको एक बार बीच में चलाई थी तो आप ये देखिए टमाटर भी हमारा पक गया है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से टमाटर और ये काजू भी सॉफ्ट हो गए हैं, ऑनियन भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे, फिर हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। अब ये देखिए ये मैंने मेथी के पत्ते ले लिए हैं ये, और इसको साफ़ कर लिए। इसमें हमने डंठल बिल्कुल भी नहीं रखे हैं, इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया। थोड़े से अगर डंठल आपको इस तरह से दिख रहे हैं तो इस तरह से आप इसको तोड़ दीजिए, सिर्फ इसमें हमें पत्ते ही रखना है। मैंने इसको अच्छे से धो लिया, अब इसको हम कट कर लेते हैं। अब मैं इस तरह का एक चॉपिंग पैड ले लेती हूँ और हम इस तरह से थोड़ी थोड़ी ये मेथी लेंगे और इसको एकदम हमें बारीक कट करना है। तो अब मैं इसको अच्छे से बारीक कर लूँगी, अगर थोड़े से भी पत्ते बड़े लगे तो वापस से आप फिर से काट लीजिएगा। तो मैं इस तरह से इसको बारीक करती जाऊँगी। तो इसी तरह से हम ये सारी मेथी को इस तरह से बारीक बारीक इसको कट कर ले रहे हैं, और जो थोड़े से पत्ते दिखे इसको भी हम कट लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारी मेथी को कट कर लिए, अब इसको भी हम साइड में रखते हैं। अब हम इस तरह का एक मिक्सर का जार लेते हैं और इसी में ये जो हमने इसका जो टमाटर प्याज का इस तरह से ग्रेवी इस तरह से तैयार किए थे इसको हम डाल देंगे। तो इस तरह से ये हम ये पूरा इसमें डाल दे रहे हैं और थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको मिक्सर में डाल के पीस लेंगे। तो इस तरह से मैं इसमें डाल दे रही हूँ, इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। जब तक हमारा वो टमाटर प्याज ठंडा हो रहा तब तक हम मेथी को पका लेते हैं। तो इसी कढ़ाई में हम पका लेंगे, इसमें ऑलरेडी तेल भी लगा है, मैं एक्स्ट्रा तेल ऐड नहीं करूँगी। तो इस तरह से इस कढ़ाई में हम ये मेथी डाल देते हैं और इसको इस तरह से 2 से 3 मिनट तक इसको इसी में हम पका लेंगे। तो एक्स्ट्रा हमें तेल डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से हम ये पूरा डाल, तो बस इसको इस तरह से इसको हम अच्छे से पका लेंगे, थोड़ा सा ये सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो ये आप देखिए धीरे धीरे आप देख सकते हैं मेथी भी सॉफ्ट हो रही है। इस तरह से मैं इसको 1 मिनट तक और पका लूँगी। तो ये मेथी को हमें करीबन पकाने में 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा। जब तक हमारी मेथी पक रही है अब मैं ये ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। तो इसी में मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी, ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, 2 से 3 चम्मच बस इस तरह से पानी डाल देते हैं और इसका चिकना पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये आप देखिए ये हमारा चिकना पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम मेथी भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मेथी भी हमारी अच्छे से पक गई है। अब इसको भी मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब मैं वापस से यही कढ़ाई ले रही हूँ, आप चाहें तो उसमें कोई भी दूसरा बर्तन ले सकते हैं, बट मैं इसी में बनाने वाली हूँ। अभी गैस का फ्लेम ऑन कर दिए हैं, कढ़ाई तो हमारी गर्म है ही। अब बस इस तरह से ये एक छोटा चम्मच ऑयल डाल देते हैं। अब ये ऑयल भी गर्म हो गया है, अब मैं इसी में इस तरह से ये मसाला डाल देती हूँ। इस तरह से हम ये डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा इसमें हम इस जार में थोड़ा सा पानी डाल के भी इसका मसाला निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये हम ये थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं, इसको भी हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पहले इसको पका लेंगे हम इसको। तो इस तरह से इसको हम धीरे धीरे इस तरह से अच्छे से इसको 2-3 मिनट तक अच्छे से मसाला को पका लेते हैं। तो ये देखिए 2-3 मिनट हो गए, मसाला भी हमारे पक गए, इसमें से खुशबू भी बहुत बढ़िया से आ रही है। और अब जो ये हमने मेथी को इस तरह से रखे थे ना, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। और ये हम मटर को भी इस तरह से पानी से निकाल लिए, इसको भी हम डाल के इस तरह से इसको इसमें ही मिक्स कर ले रहे हैं। तो आप ये देखिए इसका कलर भी कितना बढ़िया आ गया है ना, देखने से बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और इसको भी हम इसी में ही पकने देंगे। अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी, ये इस तरह से मैंने ये 1/2 कप मिल्क लिए हैं और ये रूम टेम्परेचर वाले मिल्क हैं। इस तरह से मैं ये 1 चम्मच ये इस तरह से डालेंगे और इसको हम इसी में मिक्स करेंगे। गरम हम जो मिल्क लेंगे वो गरम नहीं लेंगे, और बहुत ज़्यादा जो हमारी ये इस तरह से जो हम बना रहे हैं ये भी गरम नहीं होना चाहिए। बस इस तरह से हम ये मिल्क डाल देते हैं। कई बार क्या होता है इस तरह से मिल्क डालते हैं तो ये फट जाता है। तो इस तरह से हम ये मेथी और मटर के जो इस तरह से सब्जी बना रहे हैं इसको हम मिल्क में डाल के इस तरह से डाल लिए। अगर आपको मिल्क नहीं पसंद है तो आप इसमें स्किप कर सकते हैं, अगर आप मिल्क डालना पसंद नहीं करते हैं तो।
इस तरह से हम ये डाल के अच्छे से इसको चलाते रहेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि मिल्क हमारा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फट जाएगा। तो ये देखिए अब इसमें उबाल आ रहा है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये घर की ये फ्रेश मलाई है, तो इस तरह से मैं इसमें 4 चम्मच ये मलाई ऐड कर रही हूँ। अब ये मलाई भी डाल के इसको हम अच्छे से इस तरह से हिला ले रहे हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आ गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इस तरह से। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अभी मटर का सीज़न और अभी ठंड का टाइम है तो मेथी भी बहुत ही बढ़िया फ्रेश मिल रही है, मटर भी बहुत ही मीठे आ रहे हैं। तो इस तरह से आप ये बनाएंगे ना मेथी मलाई मटर तो यम्मी लगेगा। इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, लच्छा पराठा के साथ, जिसके साथ आपको पसंद है आप उसके साथ खा सकते हैं। तो बस इस तरह से। और अब मैं इसमें एक सीक्रेट चीज़ और ऐड करूँगी। इसमें मैंने इस तरह से ये 1 चम्मच ये कसूरी मेथी लिए, इसको हम इसमें हाथ में ले लेते हैं और दोनों हाथों से इस तरह से क्रश करके इसको हम ये डाल देते हैं। इससे इसमें खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आएगी और बहुत टेस्टी लगेगा ये। तो बस इस तरह से मिला दिए और अब मैं इसको कवर करके रख देती हूँ 3 से 4 मिनट के लिए, अच्छे से ये पक जाए और थोड़ी सी ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाए। तो मैं इस तरह से इसको कवर कर देती हूँ। तो अब इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसको सर्विंग बोल में डालेंगे। तो ये देखिए इसका टेक्सचर भी कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये आप ये देखिए इसका ग्रेवी कितनी बढ़िया से ये बनकर तैयार हो गई है। तो ये आप देखिए मेथी मलाई मटर की सब्ज़ी हमारी बहुत बढ़िया से बनकर तैयार हो गई है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब आप इसको थोड़ा सा गर्म गर्म इसको सर्विंग बोल में डाल लीजिए। अब मैं इसी में से इस तरह से लूँगी और इसको डालूँगी। तो आप देखिए कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। और इसको फटाफट से बनाइए। आप कब बना रहे हैं एक बार आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप तो इस तरह से हम ये डाल लिए हैं। तो ये आप देखिए गर्मा गर्म हमारा मेथी मलाई मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। आपको अगर वाइट ग्रेवी वाला चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने वाइट ग्रेवी वाली भी मेथी मलाई मटर की सब्ज़ी डाली है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय।